हेलो दोस्तों, एम के एन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नया अपडेट यहां पर लेकर के आया हूं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट का यहां पर रिजल्ट जारी किया गया है, साथ ही दोस्तों ये जो रिजल्ट जारी किया गया है वो इंटरव्यू के लिए जारी किया गया है, यानी कि दोस्तों इन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए जो है यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और अब जो है इनका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो और उनका क्या कट ऑफ रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिस है और दोस्तों ये आज ही का है, यानी कि 3 तारीख का है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिंधी भाषा है, सहायक आचार्य यानी कि जो कॉलेज लेक्चरर है सिंधी भाषा, उसका यहां पर रिजल्ट जारी किया गया है। और इसमें कितने कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पास किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 6 कैंडिडेट को जो इंटरव्यू है उसके लिए पास किया गया है। और दोस्तों, इन कैंडिडेट को जो है यहाँ पर कब तक अपने जो DV है वो यहाँ पर कार्यालय में भिजवाने हैं, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि दिनांक 16/7/2024 6:30 बजे तक अपने जो आयोग कार्यालय है यानी कि RPSC का, वहाँ पर इनको अपना जो फॉर्म है इस साइट से डाउनलोड करके उसको भर के अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा करके 16 तारीख तक इनको यहाँ पर भिजवाना है 6:00 बजे तक, और फिर बाद में ही इनका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, कट ऑफ की बात करते हैं तो दोस्तों कट ऑफ यहाँ पर गया है जनरल का। दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 95.35 पर गया है और जनरल जो वीमेन है उसका 93.36 पर यहाँ पर इसका कट ऑफ गया है। और जो SC कैंडिडेट है उनका नॉट एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पर कोई कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हुआ है। PH का यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि इसमें भी कोई कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हुआ है। ये दोस्तों सिंधी भाषा का रिजल्ट था। अब दोस्तों आपके सामने है यहाँ पर म्यूजिक तबला का रिजल्ट, आप देख सकते हैं। और म्यूजिक तबला में भी यहाँ पर लगभग 6 कैंडिडेट को पास किया गया है और इनको भी अपना जो DV है उसके लिए अपना जो फॉर्म है इस साइट से डाउनलोड करना है और उसको आवश्यक रूप से भर करके जो 16 तारीख है उस 16 तारीख को 6:00 बजे तक पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा करके यहाँ पर भेजना है और उसके बाद में इनका जो है इंटरव्यू होगा। और दोस्तों, इनका जो कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल की 101.26 पे इनकी कट ऑफ रही है। दोस्तों, ये 3 पेपरों की कट ऑफ है, तीनों को मिला करके ये जारी की गई है। PH कैटेगरी में यहाँ पर जो नॉट एप्लीकेबल कैंडिडेट है वो हैं, यानी कि कोई उपलब्ध नहीं हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं यानी कि सितार की, तो इसमें भी दोस्तों लगभग 12 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए पास किया गया है और इनकी भी वही प्रक्रिया है। इनको इसी साइट से जो है अपना फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको भरना है डॉक्यूमेंट्स के साथ में, 16 तारीख तक यहाँ पर भिजवाना है आयोग को। और दोस्तों, यहाँ पर इसकी कट ऑफ की बात करते हैं, इसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो 47.19 पर गई है, यानी कि दोस्तों काफ़ी कम कट ऑफ है, ये 3 पेपरों का मिलाकर के है। और जनरल वीमेन का यहाँ पर 46.79 पे जो इसकी मेरिट है वो रही है। OBC की यहाँ पर 47.19 पर मेरिट रहा है। और दोस्तों, अगर बात करते हैं PH कैटेगरी की, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि इसमें कोई कैंडिडेट नहीं मिला। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 200 में से कितना कम कट ऑफ इसका रहा है, यानी कि लगभग 48% पे या 48 नंबरों पे इनका जो कट ऑफ है वो रहा है। तो दोस्तों, लगभग सभी जो सब्जेक्ट है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनका भी लगभग इसी तरह कम कट ऑफ रहने वाला है। वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस बार RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है काफ़ी कम कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी जो कैंडिडेट है कम इसमें एग्ज़ाम में बैठे थे और कई कैंडिडेट पहले ही बाहर कर दिए गए थे, इसीलिए इसमें जो है काफ़ी कम उपस्थिति रही थी। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूं कि जैसे ये जो आपके सामने रिजल्ट है सिंधी का, इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 6 कैंडिडेट को पास किया, यानी कि इसमें लगभग दोस्तों जो 3 पोस्टें थी उसके लिए 6 कैंडिडेट को पास किया, यानी कि 2 गुना कैंडिडेट को सिंधी में पास किया गया है। और अगर बात करते हैं म्यूजिक तबला में, तो इसमें 6 कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर 2 पोस्टें थी तो 6 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया है, यानी कि इसमें 3 गुना को पास किया है। और जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है यानी कि सितार का, इसमें भी लगभग 3 गुना कैंडिडेट, यानी कि इसमें 4 पोस्टें थी और 12 कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पास किया गया है। और पिछली बार जो 2 रिजल्ट जारी किए थे RPSC ने, उसमें लगभग 3 गुना कैंडिडेट को पास किया था, यहाँ पर 2 में तो 3 गुना को पास किया है और जो सिंधी है उसमें लगभग 2 गुना को यहाँ पर पास किया है। इनका जो ऑफिशियल जो इनकी जो पोस्ट है वो मैं आपको बता दूं, दोस्तों यहाँ पर जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है यानी कि सितार का, इसमें 4 पोस्ट है, 12 कैंडिडेट को पास किया, यानी कि 3 गुना। और अगर बात करते हैं म्यूजिक तबला की, तो म्यूजिक तबला में 2 पोस्ट है, इसमें लगभग 6 कैंडिडेट को पास किया, यानी कि इसमें भी 3 गुना को पास किया है। और अगर सिंधी भाषा की बात करते हैं, तो सिंधी भाषा में 3 पोस्टें हैं, आप देख सकते हैं ऑफिशियल पोस्टें हैं ये, इसमें 6 कैंडिडेट यानी कि 2 गुना को पास किया है। तो लगभग 2 से 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया जा रहा है और 4 गुना जो कैंडिडेट है या 5 गुना कैंडिडेट है वो भी पास किए जा सकते हैं। ये दोस्तों इस साल का ऑफिशियल नोटिस है, आप इसको आयोग की जो साइट है उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी उम्मीद है कि यहाँ पर सभी जो रिजल्ट है वो RPSC जारी करेगा, और अभी कुछ आंसर की जारी की गई थी, तो जल्दी आयोग जो है इस भर्ती को पूरा करने में लगा हुआ है। और दोस्तों, बाकी के जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि इन सभी का कट ऑफ जो है अब की बार कम रहने वाला है, आप निश्चित रहें। और दोस्तों, उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।